गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 17 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 64। मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। ये वर्कशीट 6, 7 और 8 क्लास के सभी बच्चों को करनी है। तो बच्चों, ड्यूरिंग लॉकडाउन पिंकूज ग्रैंडफादर फाइंड्स दैट पिंकू इज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन गेम्स। तो जो पिंकू के दादाजी होते हैं, ग्रैंडफादर कौन होते हैं, दादाजी, ठीक है, वो ये पाते हैं कि जो पिंकू है उसको अभी गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। गेम्स यानी कि जो खेल होते हैं, बाहर खेले जाते हैं, बट इंस्टेड वॉचेस कार्टून ऑन टेलीविजन ऑल डे। वो इसके बजाय क्या करता रहता है, कार्टून देखता रहता है सारा दिन टेलीविजन पे। पिंकू, डोंट यू लाइक प्लेइंग गेम्स? तो दादाजी पूछते हैं, देखो कितने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, डोंट यू लाइक प्लेइंग गेम्स? वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें गेम्स खेलना पसंद नहीं है? तो पिंकू कहता है, दादाजी आई वॉन्ट टू गो आउट फॉर प्लेइंग, मैं खेलने जाना चाहता हूँ, बट नो वन कैन प्ले आउट ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। इस पेंडेमिक के टाइम पे कोई खेलना ही नहीं चाहता है और खेलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। देन दादाजी सेट नियर पिंकू एंड टोल्ड हिम दैट वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स हैज अ बैड इफेक्ट ऑन योर आईज। तो दादाजी पिंकू के पास बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर आप टीवी बहुत टाइम तक देखोगे तो इसका बैड इफेक्ट पड़ता है आंखों पर। व्हाइल प्लेइंग गेम्स हैज मैनी बेनिफिट्स, बल्कि गेम्स के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, दीज आर। बच्चों कुछ सजेस्ट करना, ये प्रॉब्लम मुझे भी है क्योंकि मेरा एक भांजा है, वो 5th क्लास में है, उसको पढ़ने को बोलो तो छोटा बच्चा है 5th क्लास का, तो ज़्यादा पढ़ा भी नहीं सकते 3 घंटे से ज़्यादा, तो 16 घंटे होते हैं, 8 घंटे ही होते हैं। तो मुझे भी ये प्रॉब्लम है कि वो सारा दिन कार्टून देखता है, हालांकि मैं उसको बहुत कोशिश करती हूँ बहुत सारी एक्टिविटीज में लगाने की, बट प्रॉब्लम उसके साथ ये है, वो गेम्स क्यों नहीं खेल पाता है जो दादाजी बोल रहे हैं, क्योंकि वो अकेला छोटा बच्चा है, उसके साथ का कोई भी नहीं है और बाकी सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। तो आई होप सभी बच्चे इस वाली प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, है ना। और एक और बात आपको क्या करना है कि आप लोगों को वीडियो फाइंड करने में अभी भी प्रॉब्लम होती है, तो जो वीडियो का फर्स्ट कमेंट होता है ना, उसमें आपको आपकी 6th की, 7th की और 8th की सभी वर्कशीट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो एक बार फर्स्ट कमेंट जरूर देख लिया करो, ठीक है। तो चलो, कीप क्या करता है, ये कीप आवर बॉडी फिट, ये क्या करता है, गेम्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखते हैं, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। मान लो हम जीतते हैं तो भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, हारते हैं तो हम हार को सहन करना सीखते हैं और फिर ये सोचते हैं कोई बात नहीं अगली बाजी देख लेंगे इसको, है ना। लर्न डिसिप्लिन, अब रूल के जो भी गेम होता है उसके कुछ रूल होते हैं तो हम डिसिप्लिन भी सीखते हैं। इंक्रीजेस आवर कंसंट्रेशन, ये हमारी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग गेम, लर्न टीम वर्क, टीम वर्क क्योंकि आप टीम से ही खेलते हो तो टीम वर्क समझ में आता है। वी लर्न टू कोऑपरेट विद ईच अदर, और हम एक दूसरे के साथ सहयोग करना भी सीखते हैं। तो चलो, लेट अस आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग गेम वी कैन प्ले एट होम, राइट, यस और नो? नो वी कांट प्ले दिस गेम, यस वी कैन प्ले दिस गेम, यस वी कैन स्किप। यहाँ पर चेस, यस दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट गेम। राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट इंडोर गेम, दो तो यहीं से ले लेते हैं, एक तो लूडो हो गया, एक चेस हो गया, ठीक है, मुझे कैरम, कैरम और ये भी नो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और दोबारा से बता देती हूँ कि वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको आपकी सभी क्लासेस की 6, 7, 8 क्लास की सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, एक बार देख लेना उसको क्लिक करके, ठीक है बच्चों। तो देखो, आप लोगों को टीवी के अलावा कुछ तो एक्स्ट्रा करना चाहिए। अब जो ये प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जो जो लोग दो बहन भाई हैं तो वो तो फिर भी कुछ कुछ खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं या फिर कैरम खेल सकते हैं और भी बहुत कुछ खेल सकते हैं, लेकिन जो एक बच्चा अपने घर में है और छोटा है तो उसकी और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उसके लिए अगर ऐसे और भी बच्चे हैं तो उनके लिए जो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है, तो मैं पेंटिंग करवा लेती हूँ बहुत सारी, ठीक है। अगर पेंटिंग नहीं करवाती हूँ तो फिर कई बार ओरिगैमी, ओरिगेमी क्या होती है, पेपर से कुछ कुछ बनाने की, कुछ कुछ डायनासोर वगैरह या फिर ड्राइंग कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस चीज के एक्टिविटीज में आप अपने आप को लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें खराब ना हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टीवी देखना कोई सोल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। तो आई होप आप लोगों को कुछ थोड़ा सा असर हो रहा होगा, बट जहां तक मुझे लगता है कि कार्टून से तो आप लोगों का लगाव बहुत ही मुश्किल से, डांट पड़ने पर ही आप लोग कार्टून
जो टीवी है वो बंद करते हो, अदरवाइज तो बिल्कुल नहीं बंद करते हो, और मम्मी पापा इधर उधर हो जाते हैं तो फिर से स्टार्ट हो जाते हो। लेकिन वो आपको सिर्फ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जिन आंखों से अभी आप देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, कार्टून देख रहे हो, जब थोड़े बड़े हो जाओगे तो कार्टून नहीं, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज देखोगे, बहुत कुछ चीज़ें खुद भी हो सकता है, कार्टून डिज़ाइन करो, मोबाइल ऐप बनाओ, जब आंखें नहीं रहेंगी, आंखें दर्द करने लग जाएंगे तो फिर वो सब काम कैसे कर पाओगे। तो अपनी आंखों को तो बचा के रखना है ना। ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।